एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरी एग्ज़ाम चल रही थी और मैं सोची थी कि बीच बीच में मैं वीडियो बनाऊंगी और एक वीडियो एटलीस्ट शेयर करूंगी, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो है वो यूनिवर्सिटी जब जिनका कंप्लीट हो गया वो जा रहे थे, तो वहाँ का माहौल जो है वो कुछ अलग ही था। पर वो नहीं हो पाया क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर इतना ज़्यादा था। पर एनीवे, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज रात 11 बजे मैं निकलूँगी एयरपोर्ट के लिए और घर जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सब कुछ बिछा के बैठी हूँ पूरा, और अभी पैकिंग करना पूरा बाकी है। रात की 9:30 बज चुकी है, तो मैं एक एक करके सब पैकिंग करूँगी और आपसे शेयर भी करती हूँ। तो यहाँ पे सारे मेरे कपड़े हैं और ये सब जो है वो गिफ्ट्स है, वो मेरे कुछ नहीं है, सबको देने के लिए चार्जर को छोड़ के। तो ये सब मेरे हैं और ये सब गिफ्ट हैं, तो मैं एक एक करके पैकिंग करती हूँ और शेयर करती हूँ आपसे। ये कुछ कपड़े हैं जो मैं लेके जाऊँगी क्योंकि घर जाके मोस्टली मैं ये सूट वगैरह ही पहनना पड़ता है। तो ये सारे जो है मैं मतलब सारे सूट्स ही है और कुर्तीस है, तो ये सब मैं लेके जाऊँगी घर पे। और इस बार मैं जो बड़ा वाला ट्रॉली है वो लेके नहीं जा रही हूँ क्योंकि ये छोटा वाला ही सही है, और मैं हैंड लगेज भी नहीं रखूँगी ज़्यादा, एक ही हैंड लगेज होगा मेरा और ये छोटा वाला बैग। तो इस बार बहुत कम सामान लेके जा रही हूँ और उसको ज़्यादा हैवी भी नहीं करना है मुझे। तो मैंने सारे बैग जो है वो पैक कर लिया है और अभी रात की लगभग 10:30 बजने वाला है, तो अभी खाना खा के तैयार हो जाएंगे। और हमने गाड़ी जो है वो बुक करके रखी है, तो वो 11:30 बजे के आसपास आ जाएगी। तो उसके बाद हम एयरपोर्ट जाएंगे और हमारी फ़्लाइट जो है वो 2:30 पे है शायद। तो अभी जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और फिर और भी थोड़ा बहुत पैकिंग रह गया है, छोटे छोटे सामान जो है उसको भी पैक करना है, तो वो भी पैक करते हैं। तो चलिए अब वीडियो देखते रहिए। अभी तैयार हो चुके हैं और 11:30 बजने वाला है और वेट कर रहे हैं गाड़ी के लिए। और यहाँ पे दोनों बैग जो है वो एकदम पैक्ड है और तैयार हो चुके हैं, एक हैंड लगेज भी है। तो देखती हूँ कब तक आते हैं गाड़ी और फिर निकलते हैं, और फिर आपसे एयरपोर्ट में जाके दोबारा मिलते हूँ। तब भी गाड़ी आ चुका है और हम अभी निकलते हैं धीरे धीरे सारे सामान लेके। तो चलिए नहीं नहीं रोड तो इधर है, ऊपर से है। नहीं नहीं मैं आने टाइम में रोड उधर होगा। नहीं नहीं रोड तो इस साइड में पहाड़ के ऊपर से है ना रोड, ये रोड तो कब से बंद हो गया? ये रोड ये रोड तो कब से बंद है? हाँ उधर से ही रोड, इस पहाड़ के ऊपर से है ना।
OTP चाहिए भाई साहब? हाँ बोलो OTP 4034 इधर लेफ्ट लेना, लेफ्ट लेना है। अभी हम चेक इन करके अंदर आ चुके हैं और रात की टाइम है इसलिए बहुत कम लोग हैं और शॉप कुछ कुछ बंद है, कुछ कुछ ओपन है। तो अभी हम अपने गेट की तरफ जा रहे हैं, वहाँ जाके थोड़ी देर वेट करना होगा, उसके बाद हमारी फ़्लाइट है और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब एक साल बाद मैं घर जा रही हूँ और मैं बता नहीं सकती कितनी खुशी हो रही है। तो चलिए जाके वेट करते हैं अपनी फ़्लाइट की। अभी हमारी फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ करेगी और यहाँ पे मेरे हस्बैंड उसको ट्रैक कर रहे हैं। उनको ये सब बहुत पसंद है और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, तो फिर भी मैं देख रही हूँ क्योंकि कोई काम तो और है नहीं और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो चलिए चलते हैं घर की तरफ। अभी हम कोलकाता पहुंच चुके हैं और यहां से हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है। तो अभी चलिए डोमेस्टिक ट्रांसफ़र करते हैं और फिर वहां जाके थोड़ी देर और वेट करना होगा। फिर
फिर कोलकाता से 45 मिनट का सफ़र है, तो चलिए चलते हैं। तो हमें बहुत भूख लगा था, इसलिए हम KFC में आ गए कुछ खाने के लिए, और अभी हम फ्लाइट की तरफ जा रहे हैं। फाइनली वो टाइम आ गया, अभी से 45 मिनट बाद मैं अपनी स्टेट पे लैंड करूँगी। घर जाने की खुशी तो है ही, पर जब हम अपने स्टेट पे लैंड करते हैं एयरपोर्ट पे, तब भी हमें वो घर वाला ही फीलिंग्स आती है। तो चलिए चलते हैं। तो हम लैंड कर चुके हैं त्रिपुरा में, मेरी स्टेट, जो मुझे बहुत पसंद है, और अलग ही खुशी महसूस हो रही है एक साल बाद आने की। और इस दिन का काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, मेरी एग्ज़ाम चल रही थी इसके पहले, और मैं हर दिन गिन रही थी कि एक एग्ज़ाम गया, दो एग्ज़ाम गया, और कब एग्ज़ाम कंप्लीट होगी और फिर मैं अपने घर जा पाऊँगी। तो हमारी बैगेज भी आ गया, तो चलिए चलते हैं घर की तरफ। अगरतला से मेरी घर जो है वो 3 घंटे की दूरी पे है, और यहाँ से हमें बाय ट्रेन या बाय बस, बाय रोड जाना पड़ता है। तो नॉर्मली हम लोग ट्रेन ही प्रेफर करते हैं, तो हम ट्रेन के लिए वेट कर रहे हैं और चाय भी पी रहे हैं यहाँ पे। ट्रेन के खाने का अलग ही स्वाद है, तो यहाँ पे हमने बॉयल चना जो है वो ले लिया, और जो सफ़र है उसको भी एंजॉय कर रहे हैं। मुझे सबसे ज़्यादा ये अगरतला से मेरी जो घर है उस जगह की जो जर्नी है वो सबसे ज़्यादा पसंदीदा जर्नी है, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, और मुझे बहुत ही अलग ही, चाहे मैं कहीं पे भी घूमने चली जाऊँ, मुझे ये वाला जर्नी जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद है, और मैं बहुत बहुत इसको एंजॉय करती हूँ। जो मैं आज एक साल बाद मुझे ये जर्नी का मौका मिल रहा है, तो मैं एक एक जो मोमेंट है उसको एंजॉय कर रही हूँ।